ओरिजिनल फिल्म के कौन से सीन्स को रिक्रिएट किया जाना चाहिए रीमेक में? कौन सी फिल्म में एक साथ नजर आए शाहरुख और रानी मुखर्जी? क्या फिल्म में होगा कम ड्रामा और ज्यादा एक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त ओशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ये पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। करण जौहर की फर्स्ट डायरेक्शनल फिल्म कुछ कुछ होता है ने हमें कई सारी यादें तो दी ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस फिल्म के कई ऐसे इमोशनल एंड हार्ट टचिंग सीन्स थे जो फैंस के दिल में काफी करीब है। अब जब हम इस एपिक फिल्म के रीमेक की बात कर ही रहे हैं तो ओरिजिनल फिल्म के कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिन्हें अगर रिक्रिएट किया जाएगा तो फैंस खुशी से फूले नहीं समाएंगे। उनमें से पहला सीन है ट्रेन वाला सीन, जब अंजलि राहुल और टीना दोनों को छोड़कर जा रही होती है और उसी वक्त टीना को ये रियलाइजेशन होता है कि राहुल भी अंजलि से प्यार करता था। दूसरा सीन है जब राहुल अंजलि से कहता है कि वो टीना से प्यार करता है, उस वक्त काजोल की एक्टिंग बेस्ट थी। उसके बाद है जब राहुल और अंजलि समर कैंप में फिर से मिलते हैं और उसी समर कैंप ने हमें कई सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स भी दिए थे, जैसे कि छोटी अंजलि का अपनी माँ का लेटर पढ़ना, राहुल और अंजलि का बास्केटबॉल खेलना और राहुल और अंजलि का साइलेंट एंड हॉट रेन डांस। ये पल आखिर कौन भूल सकता है भला। उसके अलावा जब हॉस्पिटल में टीना राहुल से कहती है कि वो उससे वादा करे कि वो रोएगा नहीं, ये सीन काफी इमोशनल था। और उसके बाद राहुल और अंजलि का कॉलेज में बास्केटबॉल खेलना और राहुल इज अ चीटर वाला सीन और अंजलि की शादी वाला सीन तो कोई भूल ही नहीं सकता। इनमें से अगर एक भी सीन रिक्रिएट किया जाता है तो फैंस उसे देखना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। वैसे कुछ कुछ होता है के अलावा शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है ये आपको पता है? वो है कि हर बार रानी अकेली ही रह जाती है। अब उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम को ही देख लीजिए, भले ही इस फिल्म में रानी का छोटा सा किरदार था लेकिन वो शाहरुख से प्यार करती थी, लेकिन शाहरुख काजोल से प्यार करता था। उसके बाद है उनकी कभी अलविदा ना कहना, जिसमें शाहरुख और रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं हो पाते और इस फिल्म में भी रानी अकेली ही रह जाती हैं। इन फिल्मों के अलावा इन दोनों के वीर ज़ारा, चलते चलते और साथिया जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है और दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। अगर हम कुछ कुछ होता है 2 की बात करें तो फैंस इस फिल्म से एक और उम्मीद लगाते हैं कि इस फिल्म में ड्रामा कम और एक्शन ज्यादा हो, क्योंकि आजकल दर्शक एक्शन वाली फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। रोम कॉम के साथ अगर फिल्म में थोड़ा एक्शन का भी तड़का लगा दें तो ये रीमेक फिल्म सभी पसंद करेंगे और साथ ही ऐसे ही किसी इमोशनल सीन का रिक्रिएशन के साथ ये फिल्म और भी यादगार बन जाएगी। आपको कुछ कुछ होता है का कौन सा पल सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।